500 वर्ष का अंधकार आज मिट चुका है महाराज, 500 साल का अंधकार। इंतजार जो 500 साल से हम सभी ने किया था, हमारे राम लला टेंट में बैठे थे पर ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है कि भव्य राम मंदिर में दुनिया के राजा प्रभु श्री राम जी जो टेंट में बैठे थे आज भव्य राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत इतने सालों में मैंने अपने जीवन में किसी भी देश के राजा को, हमारे देश के राजा को इतना सनातनी होते हुए नहीं देखा जितने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है। जिन्होंने इतने इतने अच्छे से सनातन को प्रमोट किया है, इतने अच्छे से प्रमोट किया है, इतने सालों में किसी राजा को ऐसा नहीं देखा मैंने। इतना धार्मिक, इतना सनातनी, इतना संत सेवी, इतना देश के लिए जागरूक राजा पहली बार जीवन में देखा है महाराज। इतने जागरूक राजा आज से पहले, मैं ये नहीं कह रही कि आज से पहले जितने राजा हुए उन्होंने भगवान को नहीं माना है, भगवान की पूजा नहीं की होगी, मानते होंगे पर पब्लिकली दिखाया नहीं कभी। और जब तक पब्लिकली दिखाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कितना सनातनी राजा है। हमारे देश के माननीय राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिन से कठोर तप में बैठे हैं महाराज, 11 दिन से। सोचिए जरा, कहते जल भी त्याग दिया, अन्न जल सब त्याग कर बैठे, कठोर तप कर रहे प्रधानमंत्री जी। देश के संतों ने आकर प्रधानमंत्री जी को जल पिलाया और जल पिला नारियल पानी पिलाया और पिलाकर कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो रामलला की स्थापना किसके हाथों द्वारा की जाएगी। ऐसे हमारे देश के यशस्वी राजा हुए मोदी जी ने। ये जितना सब कुछ किया है ना, हमारे युद्ध को, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा दी है। कहे देश के युवाओं तुम भी धार्मिक हो जाओ। और तुम जब धार्मिक, हम जब धार्मिक होते हैं ना महाराज, एक शक्ति है, एक शक्ति है जो हमारा साथ देती है, जो हमें कभी हारने नहीं देती। ये वेद मंत्रों में इतनी ताकत है कि हारे हुए को जिताने की ताकत रखती है महाराज। देश के युवाओं जाग जाओ, अब जाग जाओ, क्योंकि हमारे कहते हैं ना, हम भारतवासी बड़े, हम भारतवासी बड़े धन्य है कि हम लोगों को, हम जैसे लोगों को अपने आप को बहुत धन्यवान मानिए, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। सौभाग्यशाली मानिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। बहुत हर्ष का विषय है। बहुत सारे लोगों ने माननीय मोदी जी को बहुत गालियां दी, बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। तो भैया जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है उनको भारत में नहीं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया उनको क्या जरूरत, सही बात है, यहाँ क्यों रहे तुम, जाओ पाकिस्तान। भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम, भारत में यदि रहना होगा
जोश नहीं दिख रहा। भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, हमारे देश में रहना है तो वंदे मातरम भारत माता की जय तो बोलनी पड़ेगी। तो हम तो हमने कभी भी व्यासपीठ पर बैठकर इतने सालों में कभी किसी नेता की तारीफ नहीं की, क्योंकि हमारा राजनीति का और हमारा कहां काम, हम तो ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इस देश के वासी हैं। तो जहां पर सनातन की बात आती है तो वहां तो बोलना पड़ेगा। कभी किसी राजनीति की बात नहीं हुई, कभी किसी नेता की तारीफ नहीं की, लेकिन आज इस मंच से मैं कहूंगी कि हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नेता हमें बार बार मिलने चाहिए। महाराज ऐसे प्रधानमंत्री हमें बार बार मिले। इन्होंने ठान लिया था, क्या ठाना था, कि कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, कर नाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाए। बोले श्री राम चंद्र भगवान की, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध खाई थी तो वो बन भी गया, बड़ी इच्छा थी, 500 साल का इंतजार हमारा खत्म हुआ। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि लोग सभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आए, ध्यान से सुनिएगा, और बात अच्छी लगे तो जयकारा भी लगाना, ताली जोरदार होनी चाहिए। क्या लोक सभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। पूरी बात सुनो, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी, काशी मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। चलो राम मंदिर के बहाने ही सही, कम से कम हमारे देश का सनातनी, हमारे देश का युवा जागा तो सही। अब कह दो उन विरोधियों को, तुम करते रहो अपना विरोध, हम रुकने वाले नहीं हैं। अरे भाई कहते हैं ना कि जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा, तो हमारे देश का राजा शेर है, तो इस देश की जो प्रजा है वो भी वो शेर नहीं, वो बब्बर शेर है। हाँ कौन है, बब्बर शेर। तो इंतजार खत्म हुआ, एक लाइन सुनाऊं आपको, कथा है आज और कथा का समय बहुत कम है, पर कथा लगभग सबसे पता है, सुदामा जी की कथा है, बाकी इत्यादि बड़ी प्यारी कुछ पंक्तियां है। 26 जनवरी पर हम सब साथ नहीं रहेंगे तो आज ही मना लेते हैं। क्या कह दो उन गद्दारों से, क्योंकि भारत देश बर्बाद हुआ तो गद्दारों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। दिल दिया
चलो गाते हैं फिर सब, गाते हैं सब मिलकर। जुदा बज अब नहीं जाम है।
जितने भी लोग बैठे हैं ना, संख्या बहुत ज्यादा है, पर भाई लोग तो खूब बोल रहे हैं, पर माताओं की आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? खुशी है कि नहीं है? लाइन याद है गाने की, भजन की? दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन। चलो अब एक बार गुंजा दो पूरा पंडाल कि अवध में बैठे हुए, अयोध्या में बैठे हुए हमारे माननीय प्रधान मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी समझ जाए कि सेमली ढाक ढाकड़ में भी सेना तैयार हो गई है। सब मिलकर बोलिएगा, दिल दिया बोलिए भारत माता की, अयोध्या धाम की, रामचंद्र भगवान की। क्या बात है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो हमारे रामलला के विराजित होने पर। सभी को बहुत सारी बधाई हो। कोरोना जब आया था तो ऐसा उनके चित्र पर नीचे लिखा हुआ था मोदी जी के कि मुझे गालियां देने वालों वैक्सीन लगवा लो, मुझे गाली देने वालों वैक्सीन लगा लो, तुम मर गए तो फिर मुझे गालियां कौन देगा। हाँ तो खूब जिसको गालियां पड़ती है ना, आगे भी इतिहास भी वही रचता है। हमारे मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। अब मुझे बहुत खुशी है कि सनातनी जाग रहा है, हर घर में भगवा। लेकिन एक निवेदन है मेरा आप सबसे, पूरे देशवासियों से, जो जो मुझे सुन रहे हैं YouTube लाइव के माध्यम से भी, और आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो उत्साह अभी दिख रहा है ना, हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। ये जो उत्साह है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस राम मंदिर बना तब तक का उत्साह था, फिर सब ठंडे पड़ जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तब तक तो खूब तिरंगे लहराते हैं, और जैसे 26 जनवरी निकल गई वो तिरंगा पैरों में आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो उत्साह देश के युवाओं में दिख रहा है ना, ये अब हमेशा चलना चाहिए, हमेशा। ये उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगाने का काम था मोदी जी का, जगा दिया। अब इसको जगाए रखना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये उत्साह रहना चाहिए और हर एक के घर में भगवा लहराना चाहिए, हर एक के घर में होना चाहिए।